सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव में दो नाबालिग बहनों के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उनको फसलों में छिड़काव वाला कीटनाशक जबरन पिला दिया गया। हालत बिगड़ने पर उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने पुलिस को सर्पदंश से मौत होने की सूचना दी थी। शक होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद कीटनाशक के प्रभाव से मौत होने का मामला सामने आया। उसके बाद पुलिस ने भरोसे में परिवार को लेकर पूछताछ की तो किशोरियों की मां ने चार युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की शिकायत पुलिस को दी। आरोपित युवकों ने किशोरियों की मां को मुंह खोलने पर परिवार सहित हत्या की चेतावनी दी थी। कुंडली थाना पुलिस क्षेत्र के गांव के बाहर कॉलोनी बनी हुई है, उसमें खेतों में काम करने वाले कामगार रहते हैं। इनमें से एक मकान में ही बिहार का रहने वाला परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी के साथ ही 2, 14 व 16 साल की दो किशोरी व उनके 2 छोटे भाई रहते थे। पास के मकान में ही बिहार के कुछ कामगार रहते हैं। 5 अगस्त की रात को दोनों किशोरियों की हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उनको नरेला दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया, जहाँ पर अगले दिन उनकी मौत हो गई। किशोरियों की मां ने घर में सोते समय दोनों किशोरियों को सांप के डसने की सूचना पुलिस को दी। महिला ने बताया कि सांप की फुंकार से उसकी आंख खुली थी, लाइट जलाकर देखा तो सांप कमरे से भाग रहा था। शक होने पर पुलिस ने किशोरियों का पोस्टमार्टम कराया। सोमवार शाम को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों किशोरियों के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद उन्हें कीटनाशक पिलाया गया। उसके बाद पुलिस किशोरियों की मां को थाने ले आई और उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की। महिला ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले अरुण कुमार, फूलचंद, दुखन पंडित और राम सुहाग ने उसकी बेटियों से गंदा काम किया। रात में कमरे के बाहर खड़ी बेटियां एकाएक गायब हो गई थी। आरोपित उनको अपने मकान में खींच कर ले गए थे। उसके बाद बेहोशी की हालत में उनको हमारे घर पर डाल गए। उनका शरीर नीला पड़ने लगा था। ये हमारे पास दिनांक 6 तारीख को एक रूप का प्राप्त हुआ था दिल्ली से कि दो लड़कियां स्नेक सर्पदंश की वजह से दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, जिस पे उसकी मां के बयान लिए गए। उसकी मां ने बयान दिए कि इन लड़कियों को रात को सांप काट गया। उसमें एक लड़की ब्रॉड डेड थी और दूसरी लड़की उसी रात को एक्सपायर होगी, जिसके बाद हमें मामला संदिग्ध लगा। जब मौका घटनास्थल का मुआयना करा और पूछताछ करी गई तो उसकी मां बार बार बयान बदल रही थी, तो हमने उसकी मां से डॉक्टर की मतलब पहले डॉक्टर की सलाह ली, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बारीकी से पूछताछ करी, आसपास के गाँव वालों से पूछताछ करी। ये बेसिकली रहने वाले बिहार के हैं और यहाँ मतलब एक मकान किराए पर लेके रहते थे। तो फिर वहाँ पे हमने जब पूछताछ करी, इनको विश्वास में लिया, इसकी माँ को ये ड्री सहमी हुई थी तो विश्वास में लिया। बाकी और लेबर से भी पूछताछ करी जो उसके साथ रहते थे। ये मामला पुलिस की सजगता से सामने आया है। चारों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उनका बिहार का एड्रेस भी पता किया जा रहा है। आरोपितों को पकड़ने के लिए 2 पुलिस टीम लगाई गई हैं। आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी ली गई है। तो उसके बाद इसकी मां ने हमें कल बताया, इसे दरखास्त दी, इसे विश्वास में लिया। इन्होंने बताया कि 4 लड़के थे, तो इनके साथ वाले रूम में रहते थे। उन्होंने 5-6 की रात को ज़बरदस्ती कमरे में घुस के इनके और इसकी मां के सामने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ बारी बारी गलत काम करा और फिर इनको धमकी दी कि भाई तेरे लड़कों को भी मार देंगे, जिससे उसको जहर पिला के दोनों लड़कियों को और सर्पदंश का रूप दे दिया। इसकी मां ने डरते हुए ये बयान दिया गया था, तो हमें संदेह लगा, तो हम इस पूछताछ में फिर ये बात सामने कहीं ना कहीं मतलब यही हमें थोड़ा संदिग्ध लगा। तो पूछताछ 5-6 की रात को, ये बिहार के रहने वाले हैं, पर नाम इनका अरुण पंडित, एक शोभा, एक विनोद और एक 4 युवक। हमला ये रेप की और मर्डर की धारा है। पोस्टमार्टम में अननोन पॉइजनिंग थी, तो उस पर हमें संदेहजनक सस्पेक्टेड था, बट अननोन पॉइजनिंग आते ही हमें थोड़ा संदिग्ध लगा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।